ब्रजवासियों, राधे राधे। मुझे पूरा यकीन है आप सब अपने घर पर हैं और सुरक्षित हैं। हम सबको ज्ञात है कि हमारी अपनी संस्कृति की पहचान और अपने देश की पहचान संयुक्त परिवार परंपरा से है। 9 मई को विश्व परिवार दिवस है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मथुरा ने इस अवसर पर सहभोज कार्यक्रम का आवाहन किया है। मैं हेमा मालिनी आप सब से अनुरोध करती हूं कि आप सब इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। ठीक 8 बजे अपने अपने परिवार के साथ सहभोज जरूर कीजिए। सुरक्षित रहिए घर पर ही। भारत माता की जय। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के दूसरे अंश की घोषणा। प्रवासियों को मुफ्त खाद्यान्न और किफायती किराए के आवास पर मुख्य ध्यान। कृषि और संबंध क्षेत्र को रियायती ऋण और रेहड़ी पटरी वालों को विशेष ऋण की सुविधा। 2021 तक वन नेशन वन राशन कार्ड का लक्ष्य होगा हासिल। प्रधानमंत्री ने प्रगतिशील उपाय बताते हुए घोषणाओं की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिल गेट्स से की बात। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैज्ञानिक नवाचार पर वैश्विक तालमेल और शोध और अनुसंधान पर की चर्चा। पीएम मोदी ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री से फोन पर कोरोना वायरस स्थिति पर की चर्चा। G20 में भारत ने दिया आवश्यक दवाओं, उपचारों और टीकों की सस्ती दरों में उपलब्धता पर जोर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, इस संकट के दौर में भारत ने अपना वसुधैव कुटुंबकम का दायित्व निभाते हुए विश्व के लगभग 120 देशों को दवा मुहैया कराकर निभाई अपनी भूमिका। IRCTC ने जरूरत पड़ने पर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए टिकट बुक करने वाले सभी यात्रियों के मूल स्थान का पता लेना किया शुरू। स्पेशल ट्रेनों में 22 मई से शुरू होने वाले वेटिंग टिकट के लिए निर्धारित की सीटें, आज से वेटिंग टिकट की बुकिंग की सुविधा होगी शुरू। एक मई से अब तक 800 श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए 10 लाख कामगारों को पहुंचाया गया उनके घर। विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत जारी। 16 से 22 मई तक होगा मिशन का दूसरा चरण। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 11वीं कक्षा के सभी अनुत्तीर्ण छात्रों को स्कूल में ऑनलाइन ऑफलाइन अभिनव परीक्षणों में फिर से शामिल करने की दी अनुमति। छात्रों की परीक्षाओं की स्थिति, विषयों और प्रयासों की संख्या के किसी भी स्टेटस के बावजूद छात्रों को दिया जा रहा है अवसर। भारत में कोरोना के 49,219 सक्रिय मामले, जबकि 26,234 संक्रमण मुक्त होकर लौटे घर। 2,549 लोगों की हुई मौत। दुनिया भर में 44,38,000 लोग कोरोना से संक्रमित। 3 लाख से अधिक लोगों की मौत।